Hey guys, welcome back to my channel HL Vibes. Today we will continue our chapter number 10 financial markets aur hum aaj karenge trading procedure. Okay, so let's begin without wasting any time. Trading procedure on a stock exchange. Trading on securities is now executed through an online screen based electronic trading system. इसका मतलब क्या है कि अब हमारी जो ट्रेडिंग है सिक्योरिटीज का जो लेना देना है वो कहाँ पे होता है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू होता है, स्क्रीन बेस्ड होता है, ठीक है। तो अब वो हमारा क्या हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। पहले क्या होता था कि हमारा जो स्टॉक मार्केट फ्लोर था वहां पे होता था, वहां पे एक पब्लिक आउटक्राई सिस्टम था या फिर ऑक्शन सिस्टम आप कह लो वो था, जहाँ पर क्या होता था कि जो बिडर्स होते थे वो मतलब बोली लगती थी, शेयर्स की बोली लगती थी और जो हाईएस्ट बिडर होता था, जो हाईएस्ट बिडर होता था उनको वो शेयर्स इशू कर दिए जाते थे। तो ये ब्रोकर जो थे वो बिडिंग करते थे। अब क्या हो गया है, ये अब ये ऑप्शन सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हमारी जो सिक्योरिटीज़ है वो कहाँ पर ट्रेड होती है, इस ऑनलाइन सिस्टम पे होती है। दैट इज अब ये सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। अगर आपको शेयर्स जो है वो बेचने हैं, खरीदने हैं, आप वो जस्ट अपने कंप्यूटर टर्मिनल से कर सकते हो। सो पुटिंग ऑल बाइंग एंड सेलिंग थ्रू कंप्यूटर टर्मिनल, तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो सारी सेलिंग और सारी परचेजिंग जो है वो कहाँ पे होती है, कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू हम सब कुछ डिटेल्स जो है वो भेज सकते हैं। दैट इज हम अगर कंप्यूटर पे भेज दें, मींस हम कंप्यूटर के थ्रू ही हम अपने ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करें और बोले उनको कि हमारे को इस कंपनी के इतने शेयर्स चाहिए, इतने प्राइस पे चाहिए, तो वो हमारे कंप्यूटर जो है वो हमारी ये जो सारी हमारी डिटेल्स हैं वो फीड कर लेगा। तो इससे क्या हुआ, हमारे को वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने अपने कंप्यूटर से ही सारा काम कर लिए, फाइन। उसके बाद है दैट ट्रेडिंग इज डन इन ब्रोकर्स ऑफिस। ब्रोकर का अपना ऑफिस होता है जहाँ पर उसका मेन कंप्यूटर लगा होता है, वहाँ से ही सारी ट्रेडिंग हो रही होती है सिक्योरिटीज की। उसके बाद हमने कहा स्टॉक एक्सचेंज हैज इट्स मेन कंप्यूटर विद मेनी टर्मिनल्स स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। तो जो ब्रोकर्स ऑफिस है वो मेन है, जहाँ पर सारी डीलिंग्स हो रही है, जहाँ पर मैचिंग हो रही है ऑर्डर्स की, और बाकी जो टर्मिनल्स हैं जिनको खरीदना है, जिनको बेचना है, वो पूरी अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे, ब्रोकर के थ्रू वो कनेक्ट होंगे और वो अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे और उनको अपनी जो उनकी सिचुएशन है, जो उनकी कंडीशंस है, वो सारी फुलफिल हो जाएंगी, फाइन। तो हमने कहा दैट ट्रेडिंग जो है वो डन थ्रू द ब्रोकर्स हु आर मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं ये ब्रोकर्स, और ये ट्रेडिंग भी कौन किसके थ्रू होती है, ब्रोकर्स के थ्रू होती है, फाइन। उसके बाद मराठस ये जो ब्रोकर्स होते हैं ये ऑथोराइज होते हैं, सेबी के होते हैं ये, और ये अपनी कमीशन लेते हैं जितने भी लेते हैं ये, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारा काम कर रहे हैं, ये हमारे को हमारे शेयर्स दिलवा रहे हैं या हमारे शेयर्स बेच रहे हैं आगे, तो हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो उनके चार्जेस होते हैं वो अपना चार्जेस डिडक्ट कर लेते हैं, फाइन। हमने कहा अब ये जो ट्रेडिंग है इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई, ये जो स्टॉक एक्सचेंज की जो ये ट्रेडिंग थी पहले कहाँ होती थी, हमारी स्टॉक मार्केट फ्लोर पे, अब ये कहाँ होती है, ब्रोकर्स के ऑफिस में, ठीक है। तो ये अब ब्रोकर के ऑफिस में होती है, और पहले ये जो था मैंने आपको बताया ऑक्शन सिस्टम में मार्केट फ्लोर पे होती थी, स्टॉक मार्केट फ्लोर में होती थी। उसके बाद हमने कहा कि ये कैसे वर्क करता है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी मेंबर है स्टॉक एक्सचेंज का, जो भी मेंबर है जिसको अपने शेयर्स बेचने हैं, खरीदने हैं, वो जस्ट लॉग इन करेगा टू द साइट एंड प्राइस इज फेड इन टू द कंप्यूटर। दैट इज जो मैंने आपको बताया कि वो लॉग इन करेगा, उसके बाद वो क्या बोलेगा कि मेरे को इस कंपनी के इतने शेयर्स चाहिए, इतने प्राइस पे चाहिए, ठीक है। तो वो प्राइस पे अब कंप्यूटर के अंदर ये सारी डिटेल्स जो हैं वो फीड हो गई। अब क्या होगा दैट कंप्यूटर्स इन ब्रोकर्स ऑफिस इज कॉन्स्टेंटली मैचिंग ऑर्डर्स।
कॉन्स्टेंटली मैचिंग ऑर्डर्स, दैट इज अब जो बेचना चाहता है, कोई खरीदना चाहता है, तो ये अप्स एंड डाउन्स चलती रहती हैं। तो अब क्या होता है, जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, कंप्यूटर ना ये देखता है कि मैच करता ऑर्डर्स को, कि हाँ अगर मैंने कहा कि मेरे को 150 रुपीज़ में मेरे को शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है, मुझे 3 शेयर खरीदने हैं, 150 रुपीज़ के खरीदने हैं मैंने, ठीक है, तो वो अब ये वो भी यही देखेगा कि किसको 3 शेयर्स बेचते हैं 150 रुपीज़ के, या ऐसे करके वो मैच करेगा ऑर्डर्स को। फाइन, तो अब ये जो ऑर्डर्स है जब वो मैच हो जाएंगे तो वो डील जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए, दैट इज मैंने ऑर्डर को प्लेस करा और उसके बाद वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला, दैट एट बेस्ट बिड एंड ऑफर प्राइस, दैट इज जो सबसे अच्छा प्राइस होगा उस पे वो जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा दैट ट्रांजैक्शंस विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन अ मैचिंग ऑर्डर इज फाउंड, तो जब मैचिंग ऑर्डर मिल जाएगा वो ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद है दोज नॉट मैच्ड अपियर ऑन द स्क्रीन एंड आर ओपन फॉर फ्यूचर मैचिंग, तो जो मैच नहीं हुए हैं उस दिन, वो मैच जो नहीं हुए हैं वो उस स्क्रीन पे दिखते रहेंगे हमारे को, वो विजिबल होंगे कि आगे आने वाले टाइम में अगर शायद वो मैच हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारी ये वेरिएबल होती है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं इसमें, तो अगर अभी मैच नहीं हुई तो वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, वो आगे के लिए वो स्क्रीन पर शो होती रहेगी जब तक कि वो बिजनेस चल रहा है, ठीक है। और इसके बिजनेस आवर्स क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस आवर्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, 9:55 AM से 3:30 PM, ओके, 9:55 AM से 3:30 PM जो है वो इसका वर्किंग आवर है, बिजनेस आवर्स है, और ये मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है। फाइन, तो ये था हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर, ये कैसे हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस होते हैं और कैसे फिर वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और सारा अब कैसे स्क्रीन बेस्ड हो गया, ये मेन चीज़ थी कि अब ये सारा ट्रेडिंग प्रोसीजर हमारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया, दैट इज कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू होता है, ब्रोकर्स ऑफिस के थ्रू होता है, ब्रोकर्स ऑफिस में वो कंप्यूटर लगा हुआ है जो कॉन्स्टेंटली मैच करता है ऑर्डर्स को। फाइन, तो ये था हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस कि हमारे अगर ये ट्रेडिंग जो है, ये जो ट्रेडिंग प्रोसीजर है ये पूरा, ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया, स्क्रीन बेस्ड हो गया, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, so you can take the screenshots then I will tell you only, fine। so yes guys, अब आते हैं advantages of electronic trading system। so first is it ensures transparency। इससे हमारी transparency कैसे maintain रहती है, so पढ़ो, as it allows participants to see the prices of all the securities in the market while business is being transacted। तो ये हमारे को सारी चीज़ें बताता है, पूरा ट्रांसपेरेंसी रखता है कि कौन सी प्राइजेस हैं, सारे सिक्योरिटीज की प्राइजेस बताता है, कौन सी डीलिंग्स हो रही हैं, मीन्स एवरीथिंग इज फेयर, क्योंकि ट्रांसपेरेंट कंडीशंस ये रखता है कि आप कंज्यूमर हो, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, हर एक इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए, सिक्योरिटीज़ कौन सी डील हो रही हैं, किस प्राइस पे डीलिंग्स हो रही हैं, कहीं कहीं कोई फ्रॉडबाजी तो नहीं हो रही, तो वो सारी चीज़ें हमारे को पता होती हैं इस ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोसीजर में। उसके बाद है कि ये इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, सो बीइंग it increases efficiency of information being passed on, thus helping in fixing prices efficiently। the computer screens display information on prices and also capital market development that influences share prices, that is ye humko hamare share prices batata hai aur baki information batata hai aur bilkul accurate batata hai jiski wajah se hum fatafat match kar sakte hain orders, जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हमने कहा, और साथ में ये हमारे को क्या बताते हैं, कैपिटल डेवलपमेंट्स कैसे चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मार्केट में इन्वेस्ट करने का डिसीजन बदल भी सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी है मैंने आपको बताया, और साथ में जो हमारे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है वो हमारी एफिशिएंट है।
नेक्स्ट है इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, क्योंकि ऑब्वियसली कंप्यूटर काम कर रहा है, कंप्यूटर काम कर रहा है तो रिस्क भी कम है, एरर भी कम होंगे, कॉस्ट भी कम लगेगी और टाइम भी कम लगेगा। तो ऑब्वियसली अगर ये सारी चीज़ें, हमारी इतनी सारी चीज़ें रिड्यूस हो गई तो हमारी कॉस्ट सॉरी जो हमारी एफिशिएंसी है ऑपरेशंस की वो अच्छी हो गई। उसके बाद है कि ये लिक्विडिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट भी मेंटेन करता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमारे जो टर्मिनल्स हैं वो अक्रॉस द कंट्री और आई कैन से दैट अक्रॉस द वर्ल्ड, तो हमारी लिक्विडिटी भी मेंटेन रहती है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हर चीज़ कंप्यूटर पर अवेलेबल है। हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास बेचने वाले भी बहुत हैं और ख़रीदने वाले भी बहुत हैं, जिसकी वजह से अगर हम ऑर्डर डालते हैं तो हमारे को ख़रीदने वाला भी फटाफट मिल जाएगा। अगर मैं बेचने का ऑर्डर डालती हूँ तो मुझे ख़रीदने का ऑर्डर मिल जाएगा, और अगर मैं परचेज करने का ऑर्डर डालूंगी तो मुझे बेचने वाला भी फटाफट मिल जाएगा। तो इससे मैं कह सकती हूँ कि मेरे को स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में मेरे को लिक्विडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है ये ट्रेडिंग प्रोसीजर, जो कि ऑनलाइन हो चुका है। फाइन, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट दैट इट प्रोवाइड्स अ सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब हमारी हर चीज़ जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हो रही है। दैट इज ऑल ट्रेडिंग सेंटर्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री हैव बीन ब्रॉट ऑन टू वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जो हर जगह खुले हुए थे अब वो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे खुल चुके हैं। दैट इज द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पे ही होती है हमारी सारी बाइंग एंड सेलिंग, और वो भी अब हमारे फ़ोन पे, हमारे कंप्यूटर पे होती है। इस वजह से हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो चुकी हैं, प्रिसाइज हो चुकी हैं, और साथ ही हमारे को एक ही प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ अवेलेबल मिल रही है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। फाइन, सो अब ये इसके एडवांटेजेस और ये पूरा प्रोसीजर, आई होप सो यू आर क्लियर विद इट। नेक्स्ट वीडियो में हम डीमेटेरियलाइजेशन पढ़ेंगे, डिपॉजिटरी पढ़ेंगे। फाइन, सो आई होप यू लाइक द सेशन एंड प्लीज़ अटेंड टू माई नेक्स्ट सेशन टू। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए बाय।